बिहार में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसक घटना के बाद बुधवार को बीजेपी ने इस मुद्दे पर नीतीश सरकार को आड़े हाथे ले लिया। बीजेपी इस मुद्दे पर आक्रामक हो गई और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि नालंदा और सासाराम में हिंदुओं की बर्बादी और तबाही का खेल खेला गया है। वहीं हनुमान जयंती को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि हनुमान जयंती मनाएंगे, सभी बजरंग बली बनकर रावण के अनुयायियों को ध्वस्त करेंगे। सत्ता में बैठे लोग राम से नफरत करने वाले रावण हैं। दिल्ली के अशोक विहार स्थित एमसीडी स्कूल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक नाबालिग लड़की के साथ रेप की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक पहले घर में लूटपाट की गई और फिर चाकू की नोक पर लड़की से रेप किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बीजेपी ने पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। बीजेपी ने आपके खिलाफ एक नया पोस्टर जारी किया जिसमें सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के साथ संजय सिंह की तस्वीर लगाई दिखाई दी है। बीजेपी ने इस पोस्टर में आपको कट्टर करप्ट पार्टी बताया है और इसे आपके करप्ट चोर मचाई शोर का नाम दिया है। अखिलेश यादव काशीराम के सहारे मायावती के बचे हुए जनाधार में सेंध लगाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के रायबरेली कॉलेज में दलित नेता काशीराम की मूर्ति अनावरण के बाद यूपी का सियासी तापमान गर्म दिखाई दे रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद ने मानेवर की प्रतिमा लगाने को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। मायावती ने हमला बोलते हुए लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड का जिक्र कर दिया है। मलयालम चैनल को सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से इनकार करने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र प्रेस का होना अनिवार्य है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दावों के लिए ठोस आधार भी होना चाहिए। भारत के सबसे वांछित भगोड़ों में शामिल गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को दिल्ली पुलिस बुधवार सुबह राजधानी लेकर आई। दीपक को पुलिस अधिकारियों ने मेक्सिको में गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का 2 सदस्यीय दल दीपक को सुबह 6 बजे दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर लेकर पहुंचा। ये दल मेक्सिको से तुर्कियों के इस्तांबुल होते हुए यहां पहुंचा। बंगाली सिनेमा की बेहद फेमस एक्ट्रेस स्वास्तिका मुखर्जी ने अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में भी खास पहचान बना ली है। एक्ट्रेस को आखिरी बार कला में देखा गया। स्वास्तिका मुखर्जी ने अपनी अपकमिंग फिल्म शिवपुर के को प्रोड्यूसर संदीप सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक्ट्रेस ने दावा किया है कि संदीप ने उन्हें धमकी भरे ईमेल भेजे हैं। खालिस्तानी कट्टरपंथी भारत को लेकर जमकर निशाना साध रहे हैं, ऐसा ही एक मामला सामने आया है। दरअसल ब्रिटिश कोलंबिया में एक भारतीय कनाडियन संगठन के प्रमुख को खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने जान से मारने की धमकी दी है और उन पर हमला भी किया है। इसके बारे में पीड़ित ने खुद स्थानीय कानून प्रवर्तन से शिकायत दर्ज कराई है। आज मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने कोर्ट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मनीष सिसोदिया को जल्द रिहा करने की मांग की गई। आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि ईडी और सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के गांव से लेकर घर तक खंगाल लिए लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। बावजूद इसके उन्हें जेल में रखा गया है जो कि गलत है। 14 विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए झटका दे दिया है कि आम जनता को जो अधिकार हैं वही अधिकार आपको भी हैं, यानी कि राजनेताओं के अधिकार अलग नहीं हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने 14 विपक्षी दलों की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है जिसमें ये कहा गया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियां जैसे ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया तो विपक्ष ने अपनी याचिका वापस ले ली। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि तालिबानी हुकूमत में अफगानी महिला कर्मचारियों को काम से रोका गया है। इस तरह के आदेश अस्वीकार्य हैं। तालिबान ऐसे काम ना करे जिससे मानवाधिकारों का हनन हो। तालिबानी हुकूमत ने यूएन मिशन के एनजीओ के लिए काम करने वाली महिलाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद यूएन ने तालिबान को धिक्कारा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष के दौरान पाकिस्तान में गरीबी में 1% की बढ़ोतरी की वजह से लगभग 44 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए। देश की राजधानी दिल्ली में शास्त्री पार्क इलाके में रामनवमी के दौरान लगाए गए भगवा झंडों को पैरों से कुचलने के मामले में दिल्ली पुलिस ने बुधवार को एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने ये कार्यवाही शास्त्री पार्क इलाके में रहने वाले सागर नाम के शख्स की शिकायत पर की। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट में दोषारोपण के महज चंद घंटों के भीतर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज अपने घर पर फ्लोरिडा समर्थकों के बीच पहुंचे तो उन्होंने साफ कर दिया कि इस जंग से ना तो वो डरने वाले हैं और ना ही पीछे हटने वाले हैं। उन्होंने विरोधियों पर हमले की झंडी लगा दी है। गौरतलब है कि ट्रंप पर मैनहट्टन कोर्ट में 34 आरोप लगाए गए हैं।
रमजान के मौके पर गुजरात टाइटंस टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या अपनी टीम के साथी खिलाड़ी राशिद खान और नूर के साथ सहरी करने दिल्ली के नवाजुद्दीन दरगाह पर पहुंचे। हार्दिक पांड्या अपनी टीम के साथी खिलाड़ी राशिद खान और लकानवल के साथ रमजान के पाक महीने में सहरी का आनंद लेते हुए दिखाई दिए।